रखिए मिस्टर मजनू, आपको भी कोई उठा सकता है। ए, बहुत हो गया तेरा, हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? जाने मस, तुम लोगों के किस लेवल के मूड स्विंग्स आते हैं यार। एक दिन वीडियो नहीं आई तो नशा है क्या ये कि एक दिन वीडियो नहीं आई तो अरे सांस रुक रही है साले, वीडियो ला, आज ही वीडियो चाहिए हमको। पहला मूड स्विंग होता है तुम्हारा, अबे साले वीडियो डाल आज ही चाहिए। दूसरा मूड स्विंग होता है, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है ना। और तीसरा मूड स्विंग होता है, अरे यार भाई इंस्टाग्राम पे अपडेट तो दे दिया कर, वीडियो नहीं आता तो टेंशन होती है यार। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लोग कितनी जल्दी होगी ना यार कि तुम इतनी फिक्र हमारी कर लेते। पर यार भाई की बात अलग है ना, क्यों भाई है कि नहीं यार। चलो अब ज्यादा नहीं उड़ते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट जानमंस एक बात याद रखना, लव हो तुम लोग, पूरा प्योर लव। गले मिलोगे, आ जाओ पप्पी दू पप्पी, नहीं चलो फिर वीडियो स्टार्ट कर दे। तो करना करो ना भाई, कुटाई है कुटाई, शमी भाई की कुटाई, अरे जोरो की कुटाई। खैर जिसको भी लग रहा है ना कि शमी भाई को 28 रन मार देना एक ओवर में, ये लिविंगस्टन का टैलेंट है। छोड़ी बच्ची हो क्या? सही बात नहीं पता तुम लोगों को, अभी शमी भाई खुद बताएंगे। एक्चुअली में हम लोगों की ईद की पार्टी थी, गुरबाज राशिद सब आए हुए थे, तो इन लोगों ने हमको बोला ईद की सारी सेवैयां हम लोग खा जाएंगे अगर तू जल्दी नहीं आया तो। अब यार लगभग प्लेऑफ्स में तो पहुंच ही चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना सेवैयां पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। चार ओवर्स पहले मैच खत्म करके चार डब्बे सेवैयां ठूसी हमने। चलो चार डब्बे सेवैयां तो शमी भाई खा गए, पर ये लियाम लिविंगस्टन क्या खा रहा है यार आजकल? पूरा पूरा वेस्ट इंडीज गोल के खा जा रहा है क्या? 117 मीटर का सिक्स, ये 117 मीटर का सिक्स देख के ना भाई शमी भाई का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था, ओह गॉड व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ लवली ब्यूटीफुल सिक्स, अबे साले हमको ही मारे हो क्या? ये बाद में रियलाइज हुआ उनको, अच्छे शॉट में बह गए थे हमारे शमी भाई। शमी भाई का रिएक्शन तो फिर भी ठीक था यार, पर ये मयंक अग्रवाल कौन से रिएक्शन दे रहे थे? अश्लील है ये लोडा। और कल तो लियाम लिविंगस्टन भाई अपने बेचैन भी इतने हो गए थे कि मयंक अग्रवाल से पूछ रहे थे कि भाई ओपनर्स के बाद मैं जाएगा बैटिंग करने। अरे इन लोगों से वैसे भी कुछ होता तो है नहीं, सब लोग आउट होकर आ जाते हैं, लिविंगस्टन भाई कुछ करो। हमने मयंक अग्रवाल से बोला तुम आउट होकर जीतना चाहते हो या नॉट आउट रहकर इज्जत के साथ जीतना चाहते हो, इसीलिए हम चले गए। जितने रन ये तीन मैच में मारता है हमने एक ही ओवर में मार दिया, कैप्टन साहब की इज्जत भी रख ली, क्या गलत किया। पर यार सच में बहुत बुरा मारा, तीन छक्के दो चौके, और ये चाचा कितने ही छक्के मार चुके 100 मीटर प्लस के। Check the mic and make sure it sound right, boys. टाइटंस हमारे लॉर्ड विजय शंकर को टीम से निकालने का नतीजा, हार गए ना। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी जुदाई का गम मैं सहलूंगा बाड़िया, सहलूंगा जा। कल हमारे विज्जू भाई की पोजीशन यानी कि वन डाउन पर खेलने आए साई सुदर्शन, और एकदम सही टाइम पे आ गए भाई, क्योंकि अगर ये 65 रन्स नहीं बनाते ना तो आरसीबी का वो वाला स्कोर 49 रन्स खतरे में आ जाता, क्योंकि राहुल तिवटिया और मिलर जब तक रन चेज नहीं करते ना इनका तो कुछ ऐसा हो जाता है, मजा नहीं आ रहा है। नो रन चेज नो पार्टी। और कोहली भाई के बाद अगर किसी की सबसे खराब किस्मत चल रही है ना तो वो है गिल। मुझे भूल गए, बोलने तो दो यार, ईशान किशन भाई बोलने ही नहीं देते हो यार, और अब ये क्या करने लगे। माय 11 सर्कल 100% कैश बोनस दे रहा है 1000 रुपए तक के डिपॉजिट पर वो कैसे? जितना भी मनी तुम डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट करके कूपन कोड May1000 यूज कर लो, जितना अमाउंट ऐड कर रहे हो उतना ही कैश बोनस भी मिल जाएगा। वाह किशन भाई वाह, मतलब 15 करोड़ का कोई पूर्ण उपयोग करना आपसे सीखे कोई, मैं भी अभी जल्दी से डिपॉजिट करके आता हूँ। गिल भाई अपने मस्त रन भाग रहे थे और किस्मत देखो संदीप शर्मा से टकरा गए और डायरेक्ट थ्रो में रन आउट हो गए। फिर संदीप शर्मा से कुछ बहस हुई तो मैंने लगा भाई IPL की एक और फाइट देखने मिली जाएगी, पर गिल भाई लड़े ही नहीं। छह गिल भाई जाते जाते कुछ कंटेंट ही दे जाते। गिल की ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटे या नहीं आप लोगों ने? कर तो ऐसे रहा था जैसे बहुत अच्छे फॉर्म में, गिनती के 2-5 रन बनाता है वो भी बना चुका था, और बिल हम पे फाड़ रहा है। रबादा बोल्ड करके भेजता, इससे अच्छा डगआउट में जाके बहाना बना देना, रन आउट हो गए थे। सहा और गिल के आउट होने के बाद अपने आए यो यो हार्दिक भाई, हार्दिक भाई ये 3.5 दिन के लिए ऑलराउंडर काहे बनते हो आप? IPL शुरू हुआ तो फुल जोश में वन डाउन बैटिंग, हाफ सेंचुरी, पावर प्ले में बॉलिंग, और अब मैं तो थक गई भाई। जैसे ही वेंकटेश अय्यर का डर खत्म हुआ हार्दिक भाई तो चिल मार रहे। अरे हमको ऋषि का मास्क बहुत सेक्सी लगा, हमने बोला कहाँ से लिए हो, नेक्स्ट ईयर कॉफी विद करण में हम भी पहन कर जाएंगे। बस जहाँ हम वो मनु शो के बारे में सोचे विकेट दे बैठे, और बॉलिंग तो इसलिए नहीं कर रहे थक जाते हैं, और भी काम होते हैं, पारिवारिक जीवन है आप समझिए। समझ गए हार्दिक भाई समझ गए, रबादा भाई को चढ़ चुका है अब गुस्सा, बहुत भयंकर गुस्सा, मतलब दर्जन में विकेट ले रहे हैं यार, एक टाइम था लिस्ट में थे ही नहीं और अब थर्ड नंबर पे आ चुके हैं हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में। सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। नाम क्या है तेरा? रबादा। कहाँ का रहने वाले? अफ्रीका। यहाँ पे कैसे आया?
ओके दुन 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 दुन। जैसे तैसे गुजरात ने 144 का टारगेट दिया और पंजाब ने छुपके से अपने ओपनर्स चेंज करने की सोची, जॉनी बेरिस्टो को ओपनिंग करा के। ये तुम्हारा मयंक अग्रवाल तो अव्वल दर्जे का भोला इंसान निकला रहे। उस बेचारे को लग रहा था हमें ओपनिंग नहीं मिल रही इसीलिए रन नहीं बना पा रहे। अरे ना रे पगले, हम तो इंग्लैंड से इंडिया आए ही हगने के लिए, कहीं पर भी बैटिंग करवा लो। अब तुमको क्या लगा हर इंग्लैंड का ओपनर जॉस बटलर होता है? अब यार टॉन्ट मारने का मन कर गया मयंक अग्रवाल को। जैसे हर इंडियन ओपनर केएल राहुल नहीं होता, वैसे हर इंग्लैंड का ओपनर जॉस बटलर नहीं होता। हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, लगी ना दिल पे, आई डोंट केयर। और नेहरा भाई भी अपने जॉनी भैया के शॉट से डर गए। कैची था नेहरा भाई। इन जनाब के आउट होने पर आए राजा पक्सा, और क्या प्यारे प्यारे शॉट्स खेले भाई ने। हाँ कैमरामैन के अकॉर्डिंग यही है राजा पक्सा। जब जब उसने शॉट मारे भाई, कैमरामैन ने इन्हीं को दिखाया। हो सकता है अपने से गलती हो रही हो, यही हो राजा पक्सा जी। वैसे जॉनी मंस आज का मैच कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आरसीबी वर्सेस सीएसके का, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है माई 11 सर्कल का फर्स्ट प्राइज। जी हाँ, फ्री टिकट्स टू लंदन, पूरा लंदन ठुमकता। और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, जैसे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रुपए, फर्स्ट प्राइज रेनॉल्ट की कार। मतलब यार आज के मैच में मजे डबल करने की गारंटी दे रहा माई 11 सर्कल। एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। और कूपन कोड अगर तने यूज करते हो तुम लोग तो भाई 20% का कैश बोनस भी मिल जाएगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो वेट मत करो, जल्दी से डाउनलोड करो, और एक ट्राई तो देने में क्या जाता है। पीवी केस में खेलने वाला हर ब्लैक बॉलर कॉटरेल या ओडियन नहीं होता तेवटिया भाई। सही बात है भाई, सही बात। मयंक अग्रवाल टू बेरिस्टो, आप इसको किसी भी पोजीशन पे खिला दो, ये परफॉर्म नहीं करने वाला। सेम मयंक अग्रवाल जैसा है। कौन बोला? क्यों नेहरा जी, हिला डाला ना, क्या चीज गब्बर पाजी। अच्छा वैसा हिला डालाना वाला, अश्लील है ये लोंडा। पीवी गैस के ब्लैक बॉलर देख के वेस्ट इंडीज बॉलर समझा क्या साउथ अफ्रीकन है मई। रबादा भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तेवटिया भाई। अर्षदीप टू बैट्समैन, मार बे सिक्स, देखता हूँ कितने सिक्स मारता है। अरे भाई बुमराह से भी कम सिक्सेस पड़वाए क्या? पाजी तो गजब कर रहे, एक के बाद एक टैलेंट बाहर आ रहा है। पीबी के एस टू आरसीबी डीसीएन एसआरएच, जीटी से किसे तेज भागना है? मुझे तो बस तुम तीनों से तेज भागना है। सच बता ये चेन कुली की मेन कुली वाला बैट है ना भाई, लग तो वही रहता है यार कि ये नीचे टांग के नीचे से भी घुमा के एक सिक्स मार सकते हैं। शुभमन गिल, लड़का तो अच्छा है पर ये रन्स नहीं बनाता। आशीष नेहरा, बहन की चूत तुम्हारी यार, लेंथ बॉल पर छक्के खा रहे हो। नेहरा पाजी की ट्रिक्स बहुत कम फेल होती है, कल ये लिविंगस्टन के बच्चे ने फेल कर दी। फैंस टू हार्दिक पांड्या, एज ही वॉज बॉलिंग इनिशियली बट नाउ ओनली कंट्रीब्यूटिंग विद बैट। बस निकल गई, बस हवा निकल गई। पंजाब किंग्स नीड 27 from 30, लिविंगस्टन टू शमी। चल साले मैच हराना है तो टेबल टॉपर्स को हराओ पुरुषोत्तम भाई, वरना मत हराओ पंजाब का अलग स्वैग। रबादा टू जीटी बैट्समैन माऊ। इस सीजन के सबसे बड़े ऑलराउंडर को आउट करने का घमंड है। फायरिंग स्टैंडर्ड्स इन 2022 आईपीएल, अभी तो ओवर गिरेगा। शामी आफ्टर गेटिंग स्मैश्ड बाय लिविंगस्टन, मुझे मारा गया, आई हैव बीन बीटन। छोड़ी बच्ची हो क्या? चैंपियन प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। और बेरिस्टो भाई अभी भी नहीं सुधरे भाई, कि मेरे कारण इसको बिठा रखा था, वो अपना ओरिजिनल परफॉर्मेंस देने में लगे हुए। ऑरेंज कैप कहां है? घाट में डाल लियो का ऑरेंज कैप। मीनवाइल बटलर, वो यार राहुल भाई पीछे खड़े रहते ना, आसपास ही रहते हैं ऑरेंज कैप के, तो उसे उतार के ना भाग जाए इसलिए छुपा के रखनी पड़ती है। टेबल टॉपर्स, आपने 20 ओवर दिए थे ना, हमने 16 ओवर में रन बना दिए। अर्ली विन यू नो द रीजन यू डोंट, नॉटी लिविंगस्टन। मार्को जेंसन वाचिंग हिज साउथ अफ्रीकन टीममेट टेकिंग विकेट ऑफ तेवटिया एंड खान ऑन कंसेक्यूटिव बॉल्स, कैसे कर रहा है यार ये। आज की माई 11 सर्कल टीम में विकेट कीपर में ले रहा हूँ रॉबिन उथप्पा को, बैट्समैन में ले रहा हूँ फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे और राइडू। ऑलराउंडर में ले रहा हूँ जड्डू भाई और मैक्सी भाई। बॉलिंग में ले रहा हूँ हर्षल पटेल, हेजलवुड और मुकेश को। कैप्टन बना ऋतुराज गायकवाड़, अब आ चुके फॉर्म में तो बना ही देते हैं। वाइस कैप्टन फाफ डुप्लेसिस, दोनों पिछले साल के सीएसके के ओपनर्स। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम पे देख लेंगे, तब तक के लिए ऐसे तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना। और माई 11 सर्कल पे जो भी भाई ऑफर्स चल रहे हैं उसका फायदा उठा लो अभी आईपीएल खत्म होने में। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज play responsibly and at your own risk.